Hello friends, how are you? This is Sony from Sony Scholar. Welcome to my channel. Friends, आज हम POP से बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाने वाले हैं, POP की पेंटिंग क्रिएट करने वाले हैं और उसके लिए हमने रियलिस्टिक फ्लावर्स को यूज़ किया है और वो पेंटिंग बनाने के लिए हमें जो सामान चाहिए मैं आपको बताती हूँ. हमने यहाँ पर मेरे गार्डन से कुछ फ्लावर्स लीव्स स्टेम्स ली हैं और साथ में कुछ आर्टिफिशियल भी स्टेम्स ली हैं. सीमेंट के फ्लावर्स लिए हैं और मास्किंग टेप की ज़रूरत पड़ेगी. थर्मोकोल की स्ट्रिप्स ली हैं, रोलिन पिन की ज़रूरत पड़ेगी और साथ में हमें ये आटे की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हम रेगुलर यूज़ करते हैं. पीओपी पाउडर चाहिए होगा और पानी की ज़रूरत पड़ेगी. तो हमने सबसे पहले बड़ी एक टाइल को लेना है, हार्ड सरफेस हमें चाहिए और यहाँ पर हमने बड़ी टाइल को लिया है और इसके ऊपर हमने क्लिंग रैप को कवर कर दिया है. ये देखिए, ये हमने क्लिंग रैप से इसको कवर कर दिया है. आप यहाँ पर पॉलीथीन कोई भी आप लेकर रख सकते हो और इसके ऊपर हम आटा लेंगे और ये थोड़ा कड़क होना चाहिए, बहुत सॉफ्ट आटा नहीं चाहिए हमें. और इसके ऊपर हम हल्का सा ड्राई आटा लगाएंगे और इसको रोल करेंगे. क्योंकि हमने स्क्वायर में बनानी है पेंटिंग इसलिए इसको थोड़ा फ्लैट करते हुए हमें स्क्वायर शेप देनी है. और इसकी थिकनेस थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, एकदम पतला नहीं हमें करना, थोड़ा थिक रोल कर देंगे. हाथ से थोड़ा कर देंगे और ये आपको ध्यान रखना है कि पॉलीथीन या क्लिंग रैप के ऊपर ही हमारा आटा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बाहर निकाल देंगे तो ये चिपक जाएगा. इसको हम हाथ से शेप देंगे, स्क्वायर शेप देनी है हमें और ये हमारा रेडी हो जाता है. और इसकी थिकनेस ये देखिए, इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए, थोड़ा थिक हमें रखना है ताकि एम्बोस आए. और इसके ऊपर हमें फिर एक क्लिंग रैप करना है ताकि हमारा आटा जो है वो पीओपी के साथ चिपके नहीं. तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पतला वाला प्लास्टिक इसके ऊपर इस तरीके से रख कर सेट कर देना है. इसे में आप पतली शीट बिछाओगे तो उसका एम्बोसिंग अच्छी आएगी. तो ये हमने बिछा दी है, अभी इसके ऊपर हमें एम्बोस करना है. जो भी हमने पेंटिंग बनानी है उस हिसाब से हमने इसको एम्बोस करना है. इसको हम रखेंगे और इसकी प्लेसमेंट जहाँ आपको ठीक लगता है उस हिसाब से करनी है. और साथ में हम ये स्टेम्स के लिए है क्योंकि ये लीव्स बहुत पतले हैं, इसका एम्बोसिंग नहीं होगी और हमें स्टेम के लिए ये लिया है. ये आर्टिफिशियल स्टेम है और साथ में हम दूसरी स्टेम्स भी लेंगे, अरेंज करेंगे उनको इस साइड में. और इसके साथ साथ हमें अरेंज करने के बाद हमें रोलिंग पिन से इसको इंसर्ट करना है. ये देखिए,
कुछ इस तरीके से यहाँ पर बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है, इसलिए धीरे धीरे करके हमें प्रेशर देना है रोलिंग पिन के साथ, ताकि इसका इम्प्रेशन जो है वो सारा आटे में चला जाए और बाकी पोर्शन को इसको हल्का हल्का हमें दबाते हुए देखिए ये हमने दबाकर इम्प्रेशन ला दिया है। और इसके अलावा हमें जहाँ जहाँ इम्प्रेशन चाहिए वो हमें टूथपिक लेनी है, और टूथपिक की मदद से हमें यहाँ पर इम्प्रेशन थोड़ा दबाकर बनाने हैं इस तरीके से फ्रेंड्स। अच्छे से हमें रोलिंग पिन के साथ इसको इम्प्रेशन लेके आना है जो भी चीज़ को हमें पेंटिंग बनानी है, और उसके बाद हम इसे हटा लेंगे। और जहाँ जहाँ हमें इम्प्रेशन चाहिए वहाँ पर अगर प्रोमिनेंट नहीं है तो वहाँ पर हमें प्रोमिनेंट कर देना है। जैसे कि ये हमने फ्लावर लिया है सीमेंट का, और इसको हम इंसर्ट करेंगे जहाँ हमने इसका इम्प्रेशन लाना है वहाँ पर हमें इंसर्ट कर देना है। अच्छे से हमें इंसर्ट करना है ताकि इम्प्रेशन जो है जितना डीप होगा उतना अच्छा हमारा पेंटिंग जो है उसकी एम्बोसिंग होगी। इस तरीके से फ्रेंड्स ये हमें पूरा इम्प्रेशन इसका लेकर आना है, और साथ में हमें जो भी स्टेम को प्रोमिनेंट करना है उसके लिए हमें कोई भी शार्प चीज़ ले सकते हैं, टूथपिक ले सकते हैं, कोई भी हम इस तरीके की शार्प चीज़ ले सकते हैं। और हमारे पास अगर ब्रश है, ये देखिए ब्रश है, तो ये इसके साथ भी हम काम कर सकते हैं, और इसको डीप जितना हमें डीप चाहिए उतना हमें थोड़ा प्रेशर डालकर स्टेम का इम्प्रेशन लेकर आना है इस तरीके से। तो ये हमें जहाँ जहाँ जैसा पेंटिंग चाहिए उस हिसाब से हम इम्प्रेशन लेकर आएंगे। और कोई भी प्लास्टिक को आपको इस तरीके से खींच कर फिक्स नहीं करना, इसको हल्का सा आपको ऊपर रखना है और आपका इम्प्रेशन जो है उस हिसाब से लेकर आना है, क्योंकि अगर आप टाइट कर दोगे तो प्लास्टिक जो है वो ओरिजिनल अपनी फिर शेप ले लेगा। इसलिए इसको बहुत टाइटली नहीं आपको फिक्स करना है, खाली ऊपर रख कर इम्प्रेशन बनाना है। इस तरीके से आपको आटे के अंदर इस तरीके से इम्प्रेशन क्रिएट कर देना है। आपका इम्प्रेशन होगा तो आपकी पेंटिंग बराबर बनेगी, अगर इम्प्रेशन नहीं लेके आओगे तो आपकी पेंटिंग जो है फ्लैट बनेगी। इसलिए ये एम्बोस करने के लिए इम्प्रेशन लाना बहुत ज़रूरी है। और इस तरीके से जहाँ पर भी आपको लगता है कि थोड़ा हमें डीप चाहिए तो वो आप डीप कर दीजिए, और यहाँ पर हमें थोड़ा राउंड शेप में बराबर चाहिए तो उसको हम कोई भी राउंड लेकर इम्प्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। इसको दबाकर हम क्रिएट करेंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ हमारा इस तरीके से इम्प्रेशन क्रिएट हो गया है। अभी हम इसको सील करेंगे इसके साथ। हमें चारों तरफ थर्मोकोल की स्ट्रिप्स लगा देनी है और मास्किंग टेप के साथ हम इसको अटैच करेंगे। थर्मोकोल से सील कर दिया है। अभी इसके ऊपर हम कुशन डालेंगे, तैयार करते हैं। उसके पीओपी का पाउडर लेंगे और साथ में हम इसमें पानी डालेंगे। सबसे पहले हमें कंटेनर में पानी डालना है और इसके अंदर हम इसमें पीओपी का पाउडर मिक्स करेंगे। और इसको पहले मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप जितना डालते जाओगे वो अपने आप डाइल्यूट होता जाएगा। आपको उतनी देर तक डालते जाना है जब तक ये अपने आप डाइल्यूट होना बंद नहीं हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा लोशन जो है वो तैयार हो चुका है। हमें कुछ इस तरीके से लोशन चाहिए, इतना पतला होना चाहिए। अभी हम अपनी पेंटिंग खोलेंगे और इसके ऊपर हम पोर करेंगे। अच्छे से कवर हो जाना चाहिए सब तरफ। इसको लेकर हमें इवनली स्प्रेड कर देना है। अच्छे से हमें इसको स्प्रेड कर देना है। ये टूटे नहीं, उसके लिए हम एक और चीज कर सकते हैं। कोई भी हम ये हमारे रैप करने के लिए आता है नेट, वो डाल यहाँ पर हम स्प्रेड कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से स्प्रेड करके इंसर्ट कर देंगे, हल्का हल्का हल्के हाथों से ऊपर। थोड़ी सी पीओपी की लेयर मिक्स करके डाल देंगे, इससे इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये हमारी नेट इंसर्ट हो गई है पीओपी के अंदर। अभी हम इसको सूखने के लिए रख देंगे। 24 आवर्स के बाद हम इसका रिजल्ट देखेंगे। इसको बिना हिलाए हमें किसी सेपरेट स्पेस पे रख देना है और 24 आवर्स के बाद हम इसको निकालेंगे और इसका रिजल्ट देखेंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा रेडी हो गया है पेंटिंग। तो अभी ये इसको उठाकर, इसीलिए इसको हार्ड चीज़ हमें लेनी है नीचे बेस में, तो इसको उठाकर हम सेफ स्पेस पे रख देंगे और 24 आवर्स इसको सूखने देंगे और उसके बाद हम इसका रिज़ल्ट देखेंगे। हमारा BOP ड्राई हो चुका है, अभी हम इसको खोलेंगे। थर्मोकोल को हटाएंगे पहले। हम थर्मोकोल को धीरे धीरे करके हटा देंगे, देखेंगे और इसको उल्टा करेंगे इस तरीके से और इसको धीरे से हम निकालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी, अभी हम अपनी पेंटिंग को कलर करेंगे और कलर करने से पहले हमें इसे कोट करना होगा फेविकॉल और पानी के मिक्सचर से। इक्वल प्रोपोर्शन से फेविकॉल और पानी लेना है और उसकी कोटिंग हमें POP के ऊपर कर देनी है अच्छे से। ये सीलेंट का काम करेगा और इसमें ये करने से पेंट हमारा अब्सॉर्ब नहीं होगा। सैंड पेपर का यूज करना होगा। ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, अभी हम ये देखिए ऑयल कलर यूज करने वाले हैं ड्यूलेक्स के। ब्लैक कलर से हम इसको कोट करेंगे ऑल ओवर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ऑल ओवर हम कवर कर देंगे पेंटिंग को। अभी हम फ्रेंड्स गोल्ड डस्ट का यूज़ करेंगे। ये देखिए, ये गोल्ड डस्ट है, यहाँ पर पाउडर होता है गोल्ड और नीचे सॉल्वेंट होता है, इन दोनों को मिक्स करके हम यूज़ करने वाले हैं। और ये गोल्ड डस्ट भी आपको पेंट की शॉप में मिल जाएगा। तो चलिए, अभी हम इस तरीके का सॉल्वेंट आता है, गोल्ड कलर को लेंगे, डस्ट को लेकर इसमें मिक्स करेंगे और ब्रश से भी कर सकते हो आप। हल्का हल्का इस तरीके से आप इम्प्रेशन क्रिएट कर सकते हो। थोड़ा और मिक्स करेंगे। और ये देखिए,
जितनी भी हमने फिगर्स पीओपी की बनाई हैं वो सब इससे हाईलाइट हो जाएंगी। ये देखिए एकदम से इनटेक लुक हमारी पेंटिंग की आने वाली है। और एकदम दबाना नहीं है, हल्के हाथों से आपको ये क्रिएट करना है इम्प्रेशन। जितनी भी फिगर्स हैं देखिए बनाई हमने वो सारी हाईलाइट हो गई हैं। साइड में भी थोड़ा करेंगे। आपको फ्रंट से दिखाती हूँ, बहुत सुंदर हमारी क्रिएशन। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी पेंटिंग की फाइनल लुक। एकदम एंटीक लुक आई है।